हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित बत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेट ऑफ बर्थ 3 के बारे में। अगर आप किसी भी महीने की 3 को, 30 को या 21 को पैदा हुए हैं तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। तो गाइस, आप क्या ये आपके लिए कैसे जाने वाला है 2020? ये आपके लिए अच्छा ईयर है, बट आप किसी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचें। मतलब अगर आपको ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा रुक जाइए और ना इन्वेस्ट करिए ये साल में। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये आप साल आपको बहुत चीज़ें सिखा के जाएगा, बहुत नॉलेज गिवन ईयर है, आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे भी। बट ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट मत करिए, बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। ये ऐसा साल है, थोड़ी ईगो को भी कंट्रोल रखिए अगर रख सकते हैं तो। ये सब चीज़ें आपको करनी है, बट ये जो प्रेडिक्शन है ये मास प्रेडिक्शन है, तो इसके अंदर हो सकता है कि एग्जैक्टली वो चीज़ निकल के ना आए। तो इसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे व्हाट्सएप नंबर पर या गिवन लिंक के ऊपर, अगर आपको जानना है ये प्रेडिक्शन आपके लिए है या नहीं है। और रेमेडीज़ भी अगर आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे दिए गए वाले लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं रेमेडीज़। आप रेमेडीज़ में क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली बृहस्पति को जो है वो पूछ सकते हैं। बृहस्पति मतलब थर्सडे के दिन आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। आप किसी केले के पेड़ पे जाके जो है पानी और हल्दी में मिक्स किया हुआ, जो पानी और हल्दी मिक्स किया होता है वो चढ़ा सकते हैं। आप चने की दाल जो है वो गरीबों में बांट सकते हैं। आप गुड़ बांट सकते हैं गरीबों में। तो जो पीली चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरी रेमेडी चाहिए तो नीचे वाले लिंक पे दी हुई है। बट एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो ईयर है, ये जो प्रेडिक्शन है वो सबके लिए हो सकता है सबके लिए ना काम करे, उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो आप हमारे से जुड़े रहिए, हम आपको बहुत सारी अपडेट देते रहेंगे अपने चैनल से। थैंक यू। इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक डे का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर के उस इवेंट की जिसमें सारे घाटी में स्थित कश्मीरी पंडितों को निष्क्रमण करना पड़ा था दूसरे जगहों पे, भारत के दूसरे राज्यों में। कुछ लोग जम्मू में आकर बस गए, कुछ लोग पूरे देश में आकर बस गए। बट ऐसा हुआ क्यों था, इसके होने के पीछे बहुत सारे कारण थे। कुछ कारण डेफिनेटली पॉलिटिकली और सोशली रहे।